ना पांडे राजमल जी और कविवर बनारसीदास जी ने उक्त छंद का जो भाव बताया है उसके अनुशीलन करने पर निम्नांकित बिंदु ध्यान में आते हैं। मूल छंद में तो एक नए से बंधाओ और दूसरे नए से अबंध मात्र इतना ही लिखा है, नयों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। पर पांडे राजमल जी नयों का उल्लेख पर्यायार्थक नये और दिव्यार्थक नयों के रूप में करते हैं और बनारसी दास जी व्यवहार और निश्चय नयों के रूप में करते हैं। इसकी चर्चा अपन सब विस्तार से कर चुके हैं, ये तो कंक्लूजन है ना, क्या अंतर है। दूसरा, राजमल जी पक्षपात का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि एक वस्तु में अनेक रूप कल्पना करना ही पक्षपात है। वस्तु मात्र का स्वाद आने पर उक्त कल्पना विलीन हो जाती है, आत्मानुभव होने पर विकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसी अवस्था का नाम नए पक्षातीत अवस्था है। इस प्रकार आत्मानुभवी ही नए पक्षातीत है और तत्वभेदी है। माने उन्होंने दो दो जो पक्ष है ना उन पर उतना जोर नहीं दिया, बस एक पक्ष है और दूसरे में पक्षातीत है। बनारसी दास जी इस बात पर वजन देते हैं कि जो व्यक्ति दोनों नयों के कथनों के मर्म को समझता है, उनके अभिप्राय को जानता है, प्रयोजन को पहचानता है, वही ज्ञानवंत है, वही तत्ववेदी है। तो तत्ववेदी शब्द आया ना, उसका अर्थ है उसने ही तत्व को प्राप्त किया है। उक्त तीन बिंदुओं में प्रथम बिंदु के संदर्भ में बात यह है कि दिव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए मूलतः आगम के नए हैं और निश्चय व्यवहार अध्यात्म के। यद्यपि ये दोनों शैलियाँ एकदम अलग अलग हैं तथापि एक दूसरे की विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही शैलियाँ सहज ही घटित हो जाती हैं। आत्मा में कर्मबद्ध हैं यह कथन पर्याय दृष्टि से किया गया कथन होने से पर्यायार्थक नय का कथन है और आत्मा कर्मों के संयोग का कथन होने से दो द्रव्यों के बीच संयोग बताने वाला असद्भूत व्यवहार नय का भी कथन है। दोनों आ गए ना। इसी प्रकार आत्मा में कर्म अबद्ध है यह कथन द्रव्य दृष्टि से किया गया होने से द्रव्यार्थक नय का कथन है और संयोग को अस्वीकार कर देने वाला कथन होने से शुद्ध स्वभाव के प्रतिपादक निश्चय नय का कथन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ दोनों ही शैलियाँ सहज भाव से घटित हो रही हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी संयोग का कथन करने वाले असद्भूत व्यवहार नय को नय ही नहीं मानते हैं। जो इस बात से अपरिचित हों उन्हें परम भाव प्रकाशक नय चक्र पंचाध्यायी के अनुसार व्यवहार नय के भेद प्रभेद प्रकरण का अध्ययन करना चाहिए। हाँ तो संयोगी कथन करने वाले असद्भूत व्यवहार नय को नया भास मानने वाले पांडे राजमल जी यहाँ आत्मा में कर्मबद्ध है इस संयोगी कथन को व्यवहार नय का कथन कैसे कह सकते थे। ये सब बातें अपन कर चुके हैं। यही कारण है कि उन्होंने यहाँ एक नए शब्द का अर्थ पर्यायार्थिक नय और दूसरे नय का अर्थ द्रव्यार्थिक नय किया है। दूसरे वे व्यवहार और पर्यार्थक को पर्यायवाची जैसा ही मानते हैं जैसा कि निम्नांकित कथन से स्पष्ट है। पर्यार्थिक नया इति यदि वा व्यवहार एव नामेति एकार्थो यस्मादेह सर्वोपचार मात्रता स्यात्। पर्यार्थिक नय कहो या व्यवहार नय कहो ये दोनों एक ही अर्थ है
क्योंकि इस नए के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वह सब उपचार मात्र है। आप देखेंगे कि इनके जो भी डिसीजन होते हैं, जो इनकी वो नए संबंधी मान्यता है उसके आधार पर होते हैं और उस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हम वक्ताओं से ऐसी गलती होती है कि जब भी कहीं भी देखते हैं तो फटाफट वो उद्धृत कर देते हैं अपने पक्ष के पोषण के लिए, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि पंचाध्यायी का कथन है कि पंचाध्यायी के अलावा और शास्त्रों का कथन है। तो पंचाध्यायी में मिलेगा ना उसे पर्यार्थिक नए व्यवहार ही है। अब वो व्यवहार जिसको हम असद्भूत कहते हैं वो मानते ही नहीं है, व्यवहार नए पर्यार्थिक ही है तो वे तो उसे मानते नहीं, सिर्फ पर्याय तक ही जाते हैं, इसलिए उनको वो अनुकूल पड़ जाता है। बबलू समझ में आया कि नहीं? वो पर्यार्थिक नए व्यवहार नए है, ये पंचाध्यायी कार को अनुकूल क्यों पड़ जाता है? इसलिए क्योंकि वो संयोग वाला, दो द्रव्यों के बीच के संयोग वाले नए को नए ही नहीं मानते हैं, पर्याय के आश्रय से कथन करने वाले को ही पर्यार्थिक नए मानते हैं, वो नहीं व्यवहार नए मानते हैं, इसलिए उन्हें समस्या नहीं है। और आगम में तो समस्या ही समस्या है, असद्भूत व्यवहार नए भी तो व्यवहार नए है ना, तो उसको फिर हम पर्यार्थिक नए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो दो द्रव्यों के संयोग का नाम है। ऐसे कई जगह ऐसी तकलीफें आती हैं, खासकर गुरुदेव के प्रचनों में भी आपको कभी कभी इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक दो दफ़े कहा है, तो एक दफ़े फिर कहता हूँ आपके ज्ञान में रहे, इसलिए विद्यार्थी बदलते रहते हैं ना। गुरुदेव श्री जब 19वीं बार या 18वीं बार प्रचन कर रहे थे समय सार पर, तो जब 11वीं गाथा आई जिसमें भूतार्थो और भूतार्थो का आया, तो वहाँ जो निश्चय व्यवहार की उनने नीचे परिभाषाएं दी वो सब पंचाध्यायी की थी, क्योंकि उसमें पंचाध्यायी का स्वाध्याय भी साथ में कर रहे होंगे, और जो स्वाध्याय में चलता है वो आए बिना रहता नहीं है प्रचन में। देखो टोडरमल जी की बात बताता हूँ मैं, कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का वो 7वां अध्याय लिख रहे थे, उस वक्त उन्होंने प्रशासित भी उपाय की टीका लिखना शुरू की। अरे मैंने निष्कर्ष निकाला है, देखना दोनों ही ग्रंथ अधूरे रह गए, वो टीका भी अधूरी रह गई और ये भी अधूरा रह गया। इसका मतलब यह है कि एक समय दोनों लिखे जा रहे थे, जब उनका अवसान आया तब दोनों लिखे जा रहे थे एक साथ। तो उसका जो मंगलाचरण है प्रशासित उपाय का, उसमें 7वें अध्याय की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अब बताइए नहीं तो उसमें क्या जरूरत थी कि को नए निश्चय से आत्मा को शुद्ध मान भई है सो छंद ना पिछाने निजे शुद्धता। ये जो छंद है बिल्कुल 7वां अध्याय को उनने 4 पंक्तियों में बांध दिया। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला अपनी PhD की किताब में कि दोनों का लेखन एक समय हो रहा था। आप समझ गए ना? तो ऐसे ही जब गुरुदेव जी सब पंचाध्यायी का स्वाध्याय कर रहे होंगे, तो जब इनकी आई तो उन्होंने वो पंचाध्यायी वाले ने कह दिया, और उसे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ भी जो पंचाध्यायी में है वो कर दिया उन्होंने। और शुरू के 18 प्रवचनों में वो बात अलग है, वो उठाए। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि वो हमारे साथ खूब चलती थी, हम तो 19वें प्रवचन में तो हम लोग भी थे ना शामिल, तो वो ये बोलते थे बुद्धिपूर्वक माने जो हमारे ज्ञान का गेय बन जाए वो बुद्धिपूर्वक राग, जो राग हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने वो अबुद्धिपूर्वक राग। और अपने लोग में यही कहते हैं कि हमें सोच समझ के करो तुम तो बुद्धिपूर्वक, और ऐसा हमने तो आपको धक्का देने की सोची नहीं लेकिन एकदम धक्का लग गया,
वो बुद्धिपूर्वक ऐसे अर्थ करते थे ना सब, तो उस वक्त वो नया अर्थ बहुत अटपटा लगा, अच्छा लगा लोगों को, और वो कलश टीका निकाल निकाल के बताते। तो उससे क्या हुआ कि एक बाबू भाई जी के मामा जी थे, रमन लाल नाम का नाम था, और वो अध्यापक थे, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होके रिटायर्ड हो गए थे। वो बाबू भाई की उम्र के ही थे, मामा जरूर थे लेकिन बाबू भाई की उम्र के थे। तो बाबू भाई ने उनसे कहा, मामा अभी आप तुम क्या करोगे? तो तुम गुरुदेव के प्रवचनों को सीडी पे से उतार करके लिखो, वो जो परमागम सब क्या नाम उनका प्रवचन रत्नाकर, वो उनसे तैयार करवा ले। तो उनने वो 11वीं गाथा का बेई नए पढ़े, और अब वो तो अपने को उसका बहुत विशेषज्ञ मानने लग गए कि गुरुदेव के प्रवचन लिखे, और उन्होंने 11-11 प्रवचन के भाग छप गए, और निरंतर उनका 10-5 साल उसमें निकल गए, तो उन्हें बहुत अध्ययन भी उनका हो ही गया होगा ना। मैं गया यहाँ से गुजरात में, तो हिम्मतनगर में व्याख्यान कर रहा था, तो ये निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप जो अपना है ना, नए चक्र में और समय सार में, वो मैं समझा रहा था। तो एकदम 20 सभा में ही बहुत शांत प्रकृति के थे वो, आप कल्पना के बाहर, उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी होगी, एकदम गलत है ऐसा बोले, क्या हो गया मामा को एकदम गलत है। उसकी परिभाषा तो ये उन्होंने भरा फटाफट पंचाध्याय की परिभाषाएं बोल दी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की जो आपको समझा रहा हूँ ऐसे ही, कि भाई वो ऐसा ऐसा हुआ है, आप गुरुदेव के आपने पढ़े हैं वही, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन नए चक्र के पूरा पढ़ो आप, तो आपको सारी बात ख्याल में आएगी। तो वहाँ तो दो ही बातें चलती थी ना, कि ये जो बात नए चक्र में लिखी गई है वो गुरुदेव के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, यदि ये नहीं है तो वो बेकार है, नए चक्र बेकार है, क्या समझ गए? मैं भाई पढ़ो एक दफे, देखो उसे शांति से, पंचाध्यायी के नए भी उसमें लिखे हैं, ये भी नए लिखे हैं, आप समझिए ना। अब वो किसकी इतनी हिम्मत थी कि गुरुदेव ने जो लिखे वहाँ उनके बारे में अपेक्षा समझा सके, मैंने उनके बारे में विरोध करने की तो बातें ही नहीं कहाँ है, विरोध का सवाल ही नहीं था, लेकिन ये यहाँ कैसे लिखे गए। अब आप लोग जितना समझदार हैं अपनी तरह हो जाएंगे, तो जरा उसको समझना कि जहाँ वो 27वीं गाथा आ रही है बिल्कुल पास में, जहाँ जिसमें लिखा है कि व्यवहार नयो भासदि जीवो देहो हवदि कलु एको, कि व्यवहार नय कहता है कि जीवो शरीर एक है, और निश्चय नहीं कहता है कदापि एक नहीं, तो कितना कुंद कुंद की मूल गाथा में आ जाए, हम कैसे उड़ा सकते हैं उसे है? और कई गाथाएं जैसे नगर को लुट, रास्ते को लुटता देखकर हम कहते हैं रास्ता लुटना, नागरिक को लुटता देखकर, राहगीर को लुटता देखकर हम ये कहते हैं कि रास्ता लुटता है, अब कितने जैसे वही है ना, जैसे नगर की व्यवस्था देखकर राजा का हम ग्रहण करते हैं, ये सेना लड़ती है और राजा को, ये कितने उदाहरण दे दे के कुंद कुंद ने वो असदूत व्यवहार नए किए का कथन किया है समय सार ने सारा दिनी। अब वे हमारे जो बड़े बड़े विद्वान नाम रख रखाते हैं, बड़ा मत मानना आप, वे उस बात को सुनने तैयार नहीं, उसे देखने तैयार नहीं, और जब वो पढ़ेंगे तो चुपचाप उसे पढ़ के सुना देंगे, और जब ये पढ़ेंगे ये पढ़ जाएंगे, लेकिन दोनों का कंपेरिजन करो ना, जैसे हमने निकाल के नंबर नंबर दिए कि एक एक ये फर्क है, दूसरा फर्क ये है, तीसरा फर्क ये है, और फिर इसमें हमने सामंजस्य स्थापित किया है? अब उन्हें इसकी जरूरत है कि नहीं इसे पढ़ने की, खुद नहीं किया तो पढ़ने तो उनको तो आए नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, कि क्या क्या इसे पागल में सवार हो गया, ऐसा नहीं लगता है
तो इन दोनों जो शैलियाँ हैं इनका बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान आपको होना चाहिए, तभी आप समय सार का मर्म समझ सकेंगे और प्रवचन सार और सबके मर्म समझ सकेंगे। एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट और समझने लायक है, वो ये है कि व्याकरण और न्याय ये कैसे लिखे जाते हैं। दुनिया में पहले प्रचलित होते हैं, फिर वैयाकरण दुनिया में देख देख के सुन सुन करके उन रूपों को इकट्ठा करता है और उनके अनुसार नियम बनाता है। वो नियम वास्तव में बनाता नहीं है, जिन नियमों से भाषा चल रही है उनको जानकर और व्यवस्थित करके रख देता है। और जो जहाँ जहाँ उसे ये दिक्कत आती है कि ये शब्द भी चलता है और ये शब्द भी चलता है क्या, तो वो के विकल्प से ऐसा भी बनता है, हैं समझे ना, उनको वो वैकल्पिक रूप मान करके ये समझता है। आप संस्कृत में जानते हैं ना, भ्याम 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 तीन दफे आ जाता है, चतुर्थी पंचमी और षष्ठी में तृतीया तीन में आ जाता है ना। तो अभ्रंश ने और प्राकृत ने तो यही कह दिया कि इसमें चतुर्थी विभक्ति में द्विवचन होता ही नहीं है, और अपने पंचमी में तृतीया से काम चलाते हैं, और वो कहते हैं उनने कह दिया कि नहीं इसमें तीनों में होता है। अब इसका अर्थ क्या है, माने उन तीनों में एक सा प्रयोग होता है। अभी आप देखें अभ्रंश भाषा में द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी का प्रयोग एक ही जैसा होता है, आया नहीं समझ में। वहाँ पर भी जैसे मुझको, तो वो मेरे इसके अर्थ में भी उसका प्रयोग कर लेते हैं, द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी के एक से प्रयोग होते हैं। तो वे कह रहे हैं द्वितीया होती है, चतुर्थी षष्ठी होती ही नहीं, और कहीं कहेंगे तीनों में एक से प्रयोग है, यही वैयाकरण लिखते रहते हैं उन रूपों को, समझना है ना। इसलिए जो डबल एक से मिलते हैं उसका मतलब समझ गए आप क्या है, और एक में डबल डबल मिलते हैं। रमा भी और रामई, रामई में भिस को एस हो गया और रमा भी में नहीं हुआ। इतनी रचना को हम जी पढ़ते हो ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, तुम्हें नहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं काय को कहूँ होता ना। तो अब वो कहीं होता है कहीं नहीं होता है, अब हम इसमें क्या कहें, वो तो जो होता था उसको वैयाकरण ने लिख दिया कि इन इन रूपों में हो जाता है, अकारांत में हो जाता है और आकारांत में नहीं होता है। वो तो वो उसको लिखता है। अब कुछ रूप ऐसे बचे रहते हैं कि जो बहुत रेयर पाए जाते हैं, क्या उनके लिए वो अब बाद में छोड़ देता है। तो न्यायों में भी ऐसा होता है, न्याय में भी ऐसा होता है कि ये जो प्रथम सार में 189वीं गाथा में शुद्ध नय से रागा देखा करता आत्मा को लिखा, वो ऐसा ही प्रयोग है कि एक ही जगह पूरे आगम में मिलता है। क्या क्या करें उसको, वो कहीं सेट ही नहीं होता, तो उधारा में हम कैसे सेट करें। और आप हमारी जान खाओगे कि देखो इसमें साहब शुद्ध ने से लिखा है या अमृत चंद का है, आप कैसे मना कर सकते हो। हम क्या कहेंगे भी, कभी विकल्प से कभी ऐसा कहीं कहीं ऐसा हो जाता है क्योंकि हमने थोड़ी लिखा है, हमने तो उसी में से निकाल के बनाया है। जैसे जैसे प्रयोग होते हैं उनको निकाल निकाल के हमने बताया है, साहब आपने क्या, हम क्या करें, हमने बता दिया पंचाध्यायी के नए ये हैं और ये समय सार आदि ग्रंथों के ये हैं और अधिकतर ऐसे पाए जाते हैं और इनके पक्ष में ये तर्क है उसके पक्ष में ये तर्क है, और आप निर्णय करो। हम क्या निर्णय करें, हमने दोनों बता दिए ना जो उपलब्ध होते हैं, क्या आप सुधार दो। सुधार कैसे दें, अब जो तो 400 वर्ष पहले लिखे गए और सारे देश में फैल गए वो हमारे सुधारने से क्या सुधरते हैं।
हमारी ड्यूटी सिर्फ समझने समझाने की है, ये सुधारने बुधारने की नहीं है। यदि आप उसको समझ सकते हैं तो समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं तो नहीं समझे, हम क्या कर सकते हैं। लोग बोलते हैं अनुशीलन क्या होता है, अनुशीलन क्या होता है, अनुशीलन ये होता है, समझे। अनुशीलन किसे कहते हैं, अनुशीलन का अर्थ ये होता है कि उस संदर्भ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे कथन है और उनकी परस्पर में संधि कैसे है, और कुछ ऐसे बैठेंगे हमसे संधि जमेगी नहीं तो हम कह देंगे ये संधि जमती नहीं है, अभी इसमें आचार्य का क्या आशय रहा वो हमारे ख्याल में नहीं आते। लिखने की क्या जरूरत है, उसे उपेक्षा ही कर दो ना, उड़ाई तो तुमसे कौन पूछता था, अरे फिर दूसरा उलझेगा, वो दूसरा उलझेगा तो उसे कोई रास्ता तो मिलना चाहिए, हमने जहां तक सोच लिया है उतना तो हम बता जाएं उसे, फिर उसके आगे वो निकाल ले तो बहुत बढ़िया है, नहीं निकाले तो वो भी यहीं पर रुक जाएगा और क्या करेंगे। देखो देखा, जब व्यवहार ने और पदार्थिक ने के पर्यायवाची के मामले में अपनी बात चल रही थी, अभी ऐसे बहुत तर्क हैं वो शायद मैंने लिखे हैं नए चक्र में कि हम व्यवहार नय को पर्यायवाची नए नहीं मान सकते, और ये कहते हैं दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसमें पर्यायवाची सिद्धार्थिक नय में तो पर की व्यवस्था ही नहीं है, पर्याय द्रव्य, आप समझे ना, पर्याय द्रव्य, पर्याय द्रव्य। ये शांति जी पढ़ा ना, अनन्य और एक दूसरा दो है पर्याय वाले बोले, दूसरे एक सद्गुणी हानि वृद्धि वाला अवशेष नियत, हाँ तो अनन्य और नियत दोनों पर्याय वाले हैं, तो एक तो वो जो आसमान जाति द्रव्य पर्याय है मनुष्य देव नार की, वो अन्य अन्य उसमें लगता है और अनन्य, और ये जो एक गुण की पर्याय होती है उसमें नियत लगता है। अब दो दो जगह प्रयोग आएंगे, यहां तो उन्हें सूत्र दे दिया है, अब आगे प्रयोग इसी के हिसाब से आएंगे कि नियत का क्या अर्थ है, तो देखें सद्गुणी हानि वृद्धि से रहते है, अनियत का मतलब है सद्गुणी हानि वृद्धि है। इसको आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे इसका अर्थ करेंगे आप, के साथ नियत है, निश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय है, पक्की है, अब कहाँ की क्रमबद्ध पर्याय, कहाँ की पक्की है, या वो कुछ है ही नहीं। चलो, जो व्यवहार न पर्यार्थिक न को पर्याय बात ही मानता हो, सुनो, उसे उस बात की गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है कि एक नए शब्द का अर्थ पर्यार्थिक न करें या व्यवहार न करें, क्योंकि वो तो मानता है हम कुछ लिख दिया क्या फर्क पड़ता है, अंतर ही नहीं है दोनों में, जो अंतर होगा वो सोचेगा। यही कारण है कि सहज भाव से ही जो भी शब्द ख्याल में आया उसी का प्रयोग कर दिया गया है। ये बहुत सभ्य भाषा में ये बात लिखी गई है, आपके ख्याल में आए, यदि हमारे आचार्य होते न्याय के तो एक एक मिनट में कह देते इतनी अविचारणीय अवरमणीय कुछ भी शब्द का प्रयोग तदप्य सत्य। यदि यह बात है तो मैं नाटक समय सार में सर्वत्र ही कलश टीका का अनुकरण करने वाले बनारसी दास ने यहां भी उनका अनुसरण क्यों नहीं किया, एक बड़ी समस्या खड़ी होती है। अब एक कितनी बड़ी समस्या है कि सब जगह तो उनसे चैटे हुए हैं और यहां उन्होंने अलग प्रयोग किया। अब एक दृष्टि से बहुत साधारण बात है, कैसे, मान लो गुरुदेव श्री से अपन चैटे हुए हैं ना, हर कदम पे उनका कोटेशन दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके अनुयायी हैं, भगत हैं, सब कुछ मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, और एक आध जगह कोई बात आती है तो अलग खड़े भी दिख सकते हैं कि नहीं। उन सांप्रदायिक लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, क्यों तारा जी, तो ऐसा वहां हो सकता है ना, उसमें क्या है,
कितने गीत गाए उन्होंने भगवान के, तो गीत गाने से क्या मतलब है? देखो सुनो, बनारसी दास जी तो नाटक समय सार के अंत में प्रशस्ति में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। अब ये प्रश्न कर रहा है शिष्य कि आप कह दो कि वो दोनों ने अलग अलग लिखे, ये कैसे हो सकता है? और अब इस प्रश्न में क्या बता रहा है कि देखो कितनी प्रशंसा की उनने, वो उहार आगे रखता है, जबकि प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है। समझ रहे? पांडे राज मल्ल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मर्मी। तो समझ में आ गया होगा ना सब। कल एक भाई मेरे से पूछते थे कि साहब तुलसीदास इनकी क्या पढ़ने की जरूरत है, कबीरदास तुलसीदास सूरदास आप इनकी सुनाते रहते हो, रामायण आपने इतनी बार पढ़ी है, तो जिंदगी खराब करी है ना? क्यों? ऐसा डायरेक्ट प्रश्न था मेरे से। तो मैंने कहा इस 16वीं शताब्दी में ये लिखा गया, यदि 16वीं शताब्दी की भाषा को तुम नहीं समझोगे तो इसका अर्थ भी नहीं समझ सकते। अब तो तत्कालीन समकालीन साहित्य है उसका अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा ऐसा प्रश्न खड़ा करोगे तो आप सारे न्याय शास्त्र के आचार्यों को रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि उन्होंने अन्य मत का तो खंडन किया है, तो बिना पढ़े के क्या किस कीमत तो पढ़ा था मालूम उन लोगों ने। बौद्ध बन के बौद्ध विद्यालय में पढ़ने गए थे अकलंक और निकलंक जान की कीमत में। आप तो कहते आपने पढ़ा क्यों और उन्होंने क्या कीमत चुका के पढ़ा था? टोटल कितने कोटेशन है ये वेदों में, ये लिखा फलाने लगा ये लिखा, इतने ही पढ़े हुए होंगे वो जन सिद्धांत को बड़ा में रख लिया, उसमें देख लिया, वहां तो दब तो कुछ थे ही नहीं। आज के कह सकते हो कि डॉक्टर भाल ने धवला नहीं पड़ा होगा, क्यों? ये कोटेशन तो निकाल लिया होंगे जिन सिद्धांत को। अरे हमसे वो कितने महान थे इसकी कल्पना आप करो, वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों पढ़ ली, वो कैसी पढ़ ली, क्या पढ़ ली, एक मिनट में जिंदगी खराब कर दी हमने, तुम्हारी सार्थक हो गई दुकान में बैठ बैठ के धंधा कर करके तुम्हारी दुकान सार्थक हो गई, क्यों? हमने बर्बाद कर दी जिंदगी। देखो अभी नाटक समय सार किसे कहते हैं आप जानते हैं? नाटक समय सार को नहीं जानते, यहां रखा नहीं नाटक समय सार। बनारसी दास ने लिखा है नाटक समय सार नहीं जानते? अरे भैया इसमें जो नाटक समय सार आया है वो बनारसी दास वाला नहीं है, बनारसी दास वाला तो लिखा ही नहीं गया था तब। उसके पहले वो क्या कहते हैं, पांडे राज मल्ल जिन धर्मी और नाटक समय सार के मर्मी। तो कोई नाटक पहले रहा होगा जिसके वो मर्मी थे, बनारसी दास ने तो उनके बाद लिखा है, हो सकता है उनके स्वर्गवास के बाद लिखा हो। तो ये कौन सा नाटक समय सार है, मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें क्या कहना है नाटक समय सार को हम जानते हैं, इसमें नाटक समय सार लिखा है, इसमें अकल लगाने की जरूरत क्या है? बोलो है क्या नहीं है? अबरू जो आत्मख्याति टीका को अमृत ने नाटक का रूप दिया है वो उसको कह रहे हैं वो है नाटक आत्मघाती। वे जो कलश हैं वो कलश टीका के टीकाकार है, कलशों के टीकाकार, उनको नाटक समय सार के मर्मी कह रहे हैं।
अब यहाँ समझ लो नाटक समय सार का अर्थ क्या है, अब आप समझ में कितना फर्क पड़ता है। हम उस किताब को समझ लेते जो लिखी नहीं गई थी, और पहले का हमें कोई नाटक समय सार कहीं दिखता नहीं है। अरे हर अधिकार के अंत में आता है कि वो स्टेज से निकल गए, फिर स्टेज पे आ गए, फिर दोनों मिलके आए, दोनों अलग होके आए, आता कि नहीं आत्मघाती में समझ में नहीं आती कि नाटक है, जबकि नाटक के सारे तत्व उसमें विद्यमान है। देखो जिन ग्रंथ की टीका कीनी और बाल बोध सुगम कर दीनी, उन्होंने उस ग्रंथ की टीका वो कलश टीका को ही वो नाटक समय सार का टीकाकार टीका मान रहे हैं, वो कलशों को नाटक मान रहे हैं एक तरीके से। ये विधि अब देखिए उसका कितना प्रचार हुआ था, इससे अंदाज लगाओ आप। ये विधि बोध वचन का फैली समय पाए अध्यात्म शैली, उसकी वजह से वो बोध वचन का माने बाल बोध वचन का माने सरल वचन का फैली, तो समय सार के अध्यात्म की शैली समय पाकर अध्यात्म की शैलियां गांव गांव में बन गई, उसकी वजह से गांव गांव में गोष्ठियां चलने लग गई और उनमें वो पढ़ा जाने लग गया। शैली समझते हैं, ये राजस्थान का शैली का पुराना शब्द है कि फलानी शैली फलानी शैली, जो आजकल बोलते फलाना मंदिर फलाना ट्रस्ट फलानी कमेटी, पहले वो सब शैलियां हुआ करती थी, वो अध्यात्म प्रेमियों की शैलियां जो हमेशा स्वाध्याय किया करती थी मिलके बैठ करके, तो उसको अध्यात्म शैली कहते थे। प्रगति जग माही जिन वाणी, उन्हें बनारसी दास की दृष्टि में कलश टीका का कितना महत्व है, आप देखिए। आप ये छंद मैंने उद्धृत किए हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं कि इतने आक्रांत थे वो कि जो कुछ हमारा समय सार अभी दिखाई देता है 16वीं शताब्दी में वो सब बाल इस कलश टीका का परिणाम है। प्रगति जग माही जिनवाणी, मैंने जिनवाणी प्रकट होगी, अपन कहते हैं गुरुदेव के प्रताप से आज घर घर में समय सार की चर्चा होने लगी, वो पोजीशन थी पांडे राजमल जी की, घर घर नाटक कथा बखानी, हर मंदिर में और शैली में नहीं, घर घर में समय सार नाटक की कहानी चलने लगी। क्या घर घर नाटक कथा बखानी और नाटक समय सार हित जी का और सुगम रूप राजमली टीका, ये राजमल जी की टीका है, और कवित बद्ध रचना जो होई भाषा ग्रंथ पढ़े सब कोई, तब बनारसी दास के मन में विकल्प आया और उनके वही पांच साथी थे, उनके नाम दिए हुए हैं भगवती दास भैया भगवती दास और कुंवर पाल, ऐसे नाम दिए, एक 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 पाटनी भी थे उनमें पांच, इसी में वो नाम दिए हैं पांच, चतुर्भुज एक चतुर्भुज थे। तब बनारसी मनमही आनी कीजे तो प्रगटे जिन वाणी, उसमें ऐसा भी लिखा उन पांचों जनों ने मेरे से कहा कि तुम इसको कविता बद्ध कर दो तो ये बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तब बनारसी मनमह आनी कीजे तो प्रगटे जिन वाणी, वो पंच पुरुष की आज्ञा लीनी। अब पांच उनके तो साथी पांच थे, अब उन्होंने पंचों की आज्ञा ली थी कि मैं बनाऊं, अब तुमने तो आज्ञा ली नहीं कि तुम समय सार की टीका लिखो पंचों की, बनारसी दास ने तो पंचों की आज्ञा ली थी, है? अरे उनने पंच पुरुष की ली थी, हमने दस पुरुष की ली तो पांच के नाम दिए उनने उनके साथी थे, पंच पुरुष की आज्ञा लीनी और कवित बद्ध की रचना कीनी। इस तरह ये नाटक समय सार का जन्म हुआ है। ये छंद सिर्फ इसलिए लिखे हैं कि वो बनारसी दास के हृदय में राजमल जी के प्रति क्या स्थान था, आप समझे। उक्त छंदों से स्पष्ट ही है कि बनारसी दास के नाटक समय सार का मुख्य आधार राजमली कलश टीका ही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना अत्यंत स्वाभाविक ही है कि इस छंद के अर्थ करने में
बनारसी दास जी ने कलश टीकाकार का अनुसरण क्यों नहीं किया, ये जो छंद है इसमें उन्होंने वो कलश टीका का वो प्रकरण दिव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने क्यों नहीं लिखा, निश्चय व्यवहार क्यों लिखा। अब ये यहाँ प्रश्न खत्म हुआ है, वहां से जो ऊपर प्रश्न लिखा है ना, ये पूरा प्रश्न है। उत्तर भाई, ऐसे 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 कठिन प्रश्न अपने पास क्यों रखते हो कि उत्तर नहीं आया तो, अरे नहीं आया तो उत्तर दिमाग में है तब लिखे जाते हैं, क्यों नहीं आएगा तो भी हम प्रश्न तो लिखेंगे फिर छोड़ देंगे, हमारी समझ में नहीं आया क्यों लिखा, लेकिन लिखा है बस, समझ गए ना। अध्यात्म प्रेमी मुक्ति समाज इस बात से अपरिचित नहीं है कि आचार्य कुंद के प्रमुख ग्रंथ समय सार और नियम सार में निश्चय व्यवहार नैकी मुख्यता से कथन है और प्रवचन सार और पंचास्तिक आय में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नैकी मुख्यता से कथन किया गया है। ये अपने अपने भूमिका में लिखा है, प्रस्तावना है ना इसकी, कुंद के पांच ग्रंथों के बारे में लिखा के अष्ट पहाड़ तो उनका अनुशासन का ग्रंथ था, हम भी अनुशासक प्रशासक थे ना, आचार्यत्व का ग्रंथ था, आदेश देना ऐसा करो ऐसा नहीं करो ऐसा करो ऐसा नहीं करो। और अब समय सार और नियम सार की जो टीकाएं लिखी गई हैं उनमें सब निश्चय व्यवहार आएगा और प्रवचन सार में देखो तो दिव्यार्थिक पर्यार्थक आएगा, पंचास्तिक काल में देखो दिव्यार्थिक पर्यार्थक, गाथाएं भी दब्य तीर नहीं, तो कुंद में दोनों शैलियों के जनक हैं। अब आपको शैली पहचाननी पड़ेगी, प्रवचन सार पढ़ोगे तो आपको दिव्यार्थिक पर्यार्थिक नए वाली शैली ध्यान में रखनी पड़ेगी और समय सार पढ़ोगे तो निश्चय व्यवहार वाली शैली ध्यान में रखना पड़ेगी। अब इसको बोलते हैं आपने कुंद पढ़ा के नहीं पढ़ा, जो बोलते हैं ना क्या 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 है कुंद पढ़ा के नहीं, देखो लगता है कि इस बात को ध्यान में रखकर ही बनारसी दास जी ने यहाँ निश्चय व्यवहार नियमों का प्रयोग करना उपयुक्त समझा, माने बनारसी दास जी को ये ख्याल में आ गई थी कि समय साल में तो हर जगह निश्चय व्यवहार है, शुद्ध नियम बयानी ही शुद्ध नहीं जानो निश्चय व्यवहार जानो, निश्चय ने भी भूतार्थ है व्यवहार ने भी भूतार्थ है, दिव्यार्थी की बात ही नहीं कर रहे, जिस समय साल की टीका लिख रहे हैं ख्याल में आई ना, अब बनारसी दास जी की पकड़ में आ गई, राजवंश जी की नहीं आई तो नहीं आई, अब क्या करें इसमें, वे गुरु हो तो गुरु हो वे चेले हो तो चेले हो, पर हम तो अपने हमारे समझ में दिवाई वो लिख रहे हैं, अब आप लगाओ माथा दूसरी समझो, समझे। अब एक कारण तो ये हो सकता है और दूसरा यह भी हो सकता है देखो कि पांडे राजमल जी के समान उनकी दृष्टि में भी व्यवहार में और पर्यार्थक में एकाशवासी ही हूं, दोनों ही गुरु चेले एक से ही हूं, एकाशवासी है तो क्या है वो लिखा गया, छंद में वो बैठ गया तो वो लिख दो क्या इस कारण उन्होंने इस पर विशेष ध्यान ही ना दिया हो और सहज छंदानुरोध से निश्चय व्यवहार शब्द का प्रयोग कर दिया हो। जो भी हो मूल बात यह है कि दोनों ही अर्थ सही हैं और प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णता घटित भी हो सकते हैं तथा आत्मख्याति के कलश के भाव को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ हैं। माने इसमें उत्तर सिर्फ संभावना के आधार पर दिए हैं, फिर भी इतना बड़ा प्रश्न खड़ा किया कि यदि तुम वो सुनिश्चित उत्तर नहीं दे सकते हो तो प्रश्न खड़ा नहीं करते ना, क्यों नहीं करते, हमने जितना सोचा है वो तो पहुंच जाए तुम तक, इतना रास्ता तो तुम्हें पार नहीं करना पड़े, अब इससे आगे पे वैज्ञानिक लोग शोध करते हैं ना तो एक निश्चित तीर तक पहुंचा देते हैं, फिर तो आगे की शोध उसके आगे होती है, हर एक आदमी जीरो से शुरू थोड़ी करता है, है तो जितना काम हो गया उतना तक तो हम पहुंचा दें। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने दोनों में से किसी भी नए के नाम का उल्लेख नहीं किया, वो तो अपने कुंद की लैन पे रहे,
एक नए और दूसरा नए, एक नए और दूसरे नए से ही काम चलाया। उन्होंने तो सभी 22 छंदों में एक नए का पक्ष है कि आत्मा बंधा है और दूसरे नए का पक्ष है से आत्मा अबंध है। इस प्रकार एक नए और दूसरे नए शब्दों से ही काम चला लिया है। इस प्रकरण में आपने सबके मत तो बताए, पर आपका मत क्या है यह नहीं बताया। अब आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते थे सब, लेकिन पढ़ते नहीं है ना, इसलिए पढ़ के सुनाना पड़ रहा है। अरे भाई हमारा क्या मत है? हमारा मत तो वही है जो आचार्यों का है। समय साथ 141वीं गाथा में इसी बात को बताने के लिए शुद्ध नय और व्यवहार नय का प्रयोग किया है, और एक कलश भी 142वीं गाथा के तत्काल बाद आए हैं, तो प्रकरण भी वही चल रहा है। इस कारण मेरा बल तो निश्चय व्यवहार की ओर ही जाता है। अकेली कलश टीका को छोड़कर अन्यत्र लगभग सभी जगह निश्चय व्यवहार नयों का ही प्रयोग है। अब लिख दिया ना, अपना मत भी लिख दिया अत्यंत मर्यादा पूर्वक है कि जिस गाथा पर जो कलश लिखे गए उसमें तो देखो, और आगे पीछे जो गाथाएं आ रही हैं क्यों, तो वो वहां उसमें निश्चय व्यवहार की चर्चा है कि द्वैतिक पदार्थिक की चर्चा है? तो प्रकरण के हिसाब से भी तो अर्थ किया जाता है। नयों के प्रकरण में भी पांडे राजमल जी की धारा आज तक प्राप्त आगम अध्यात्म धारा से कुछ अलग हटकर ही है, उसी की छाया यहां भी आ गई लगती है। इन सब के अर्थ तो आपकी समझ में आते ही होंगे। दूसरे और तीसरे बिंदु, अब निकालो दूसरे तीसरे बिंदु कहां है भैया, कौन से हैं? पीछे लिखे ना तीन, ये पहले बिंदु के बारे में चर्चा चल रही थी। कहां गया मैं? दो पेज पीछे, पेज नंबर 241 पर तीन बिंदु है ना नीचे, कि हम तो कभी के भूल गए हैं, बात उन्हीं की चल रही है भाई। दूसरे और तीसरे बिंदु के संदर्भ में भी दो प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम तो यह कि आत्मा अनुभव के काल में ही नए पक्षातीत होता है, और दूसरा यह कि वस्तु का सम्यक स्वरूप जानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी सदा नया पक्षातीत रहते हैं। फिर समझ में आया कि नहीं आया? क्यों, अच्छी तरह पढ़ लो, फिर पूछता हूं मैं अभी किसी से भी खड़ा करके। देखो यहां लिखा है कि नए पक्षातीत हो जाता है आत्मा, तो अभी ये दो मत चलते हैं समाज में। पहला मत जो ज्यादा प्रचलित है लोग मानते हैं, कौन सा? कि जब वो अनुभव किया ना, आत्मा शुद्ध उपयोग में गया, तब नए पक्षातीत हो गया और फिर नयों के पक्ष में आ जाता है। और दूसरा अर्थ ये है कि एक दफा सम्मा दर्शन हो गया और फिर वो छूटा नहीं, तो युद्ध के काल में भी वो नए पक्षातीत ही रहता है। ये है, ये प्रश्न है। फिर पढ़ते हैं, देखो दूसरे और तीसरे बिंदु के संदर्भ में भी दो प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम तो यह कि आत्मा अनुभव के काल में ही नए पक्षातीत होता है, और दूसरा यह कि वस्तु के सम्यक स्वरूप जानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी सदा ही नए पक्षातीत हैं। अब उत्तर, जहां पक्ष का अर्थ सुनो तत्संबंधी विकल्प लिया जाए, वहां प्रथम अर्थ घटित होगा, और जहां पक्ष का अर्थ पक्षपात लिया जाए अथवा एक पक्ष के प्रतिपादन में अपर पक्ष का सर्वथा निषेध अभीष्ट हो, वहां दूसरा अर्थ घटित होगा। मैंने कई प्रवचनों में कही है ये बात, लोगों का ध्यान नहीं जाता तो मैं क्या करूं, कि वो जब तक वो सम्मा दर्शन कायम है तब तक वो नए पक्षातीत ही है। विकल्प खड़ा हो जाने से नए पक्ष नहीं हो जाता है,
अकेला विकल्प ही नहीं है पक्ष, उसका उसके बारे में पक्ष होना चाहिए ना, मतलब पक्षपात। तो इसको मैं एक उदाहरण देता हूं कि हमको तो भाई एक प्रोफेसर चाहिए, और उसकी नियुक्ति जब होगी जब वो 10 साल एमए क्लासों को पढ़ाने का अनुभवी होगा। क्यों होता है यूनिवर्सिटियों में, आपने सुना होगा कि नहीं, हमें तो अनुभवी आदमी चाहिए, ये डिग्री भी चाहिए। पहले तो ये भी था कि डीलिट करना हो तो वो पीएचडी तो होनी चाहिए, लेकिन उसे 10 साल तक किसी विश्वविद्यालय के कॉलेज में एमए क्लासों को पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तो डीलिट के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। उसे पहले कोई नहीं कह सकता। तो अनुभवी का क्या अर्थ है? क्या वो 24 घंटा अनुभव करता रहता है? उसने साल में सिर्फ 100 पीरियड लिए, वो अनुभवी कैसे हो गया? जिंदगी मेरे को जिंदगी भर का अनुभव है। कहां जिंदगी भर का अनुभव है? 60 पीरियड, 100 पीरियड लेना पड़ते हैं बस खत्म। साल 365 दिन में 100 पीरियड पड़ा। पीरियड माने एक घंटा का नहीं, वो 45-40 मिनट का, और उसमें वो 20 मिनट पढ़ाएगा, और कितने उसमें भी गोल कर देगा और झूठी हाजिरी लगा देगा, और फिर उसको भी 10 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है कि नहीं? और नहीं तो घंटे गिनो, ऐसा 72 घंटे का एक्सपीरियंस है। मुझे प्रचुर करने का कितने घंटे बरस का एक्सपीरियंस है बोलो? कहा मैं 50 साल से कर रहा हूं, मैं 60 साल से कर रहा हूं प्रवचन, तो 60 साल का अनुभव भी हो गया कि 60 साल में कितने गिने? उनके घंटे बनाओ, घंटों के दिन बनाओ, फिर दिनों के महीने बनाओ, क्यों फिर महीनों के वर्ष बनाओ, और फिर गिनो। तो दो ही तरह का चलता है कि नहीं चलता है? अंतर मुहूर्त लगातार यदि आत्मा में उपयोग स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। तो बाहुबली का और ऋषभदेव का, बाहुबली का 1 बरस तक और ऋषभदेव का 1000 बरस तक, क्या उपयोग आत्मा में गया ही नहीं था? कि गया तो था, लेकिन वहां लगातार टिका नहीं। एक जगह तो अंतर मुहूर्त तो वो टिकने की बात है, और आत्मानुभवी तो वेद 4थे गुण स्थान में थे ना, तो वहां पर सर्वा सिद्धि में तब भी थे। तो दोनों अपेक्षाएं लगेंगी, मेरे कहने का मतलब जहां जैसी अपेक्षा हो वहां घटित कर लेना। नए पक्षातीत माने विकल्पातीत, जब तक विकल्प चलेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यह विकल्प चारित्र संबंधी कमजोरी का परिणाम है, ध्यान से सुनना, क्योंकि आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग चारित्र निर्विकल्प दशा का ही नाम है। इस अपेक्षा से शुद्धोपयोगों को ही विकल्पातीत नए पक्षातीत कहा जाता है। सामान्य ज्ञानियों को भी अनुभूति के काल में ही विकल्पातीत और नए पक्षातीत कहा जाता है। दूसरे दोनों नयों के स्वरूप को भली भांति जानने वाले, उनके प्रयोजन को पहचानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही नए पक्षातीत हैं। ये दूसरा अर्थ है, क्योंकि वे दोनों में से किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ते, वे दोनों को सही रूप में जानते हैं और दोनों का यथायोग उपयोग करते हैं, अतः वे सदा ही नए पक्षातीत हैं। अब भैया ये तो अब अर्थ तुम अपनी तरफ से कर दोगे तो चलेगा नहीं, और मोक्ष में तो नहीं चलेगा जब तक गुरुदेव की सील नहीं लगेगी। इसलिए मैंने गुरुदेव का वो कोटेशन निकाल के आपके सामने रखा है, जो तो आप 100 सर के नहीं निकाल सकते थे, आपका उपयोग ही नहीं जाता इतना गहराई से। कहने ना कि देखो गुरुदेव भी जो मैं कह रहा हूं वो बात मानते थे।
देखो मैं एक हूं अवध हूं इत्यादि प्रकार की जो वृत्ति उठती है यही है ना, वह भी एक नए का विकल्प है। इसका भी जो त्याग करता है वही सना स्वरूप में गुप्त होकर रह सकता है। देखो बाह्य वस्तु का ग्रहण त्याग तो स्वरूप में है ही नहीं, यहाँ तो एक समय की अवस्था में भी नए पक्ष का विकल्प उठता है, उसका भी त्याग की भावना की बात है ना। जब तक वृत्त तपादि सुवराग का पक्ष रहता है तब तक चित्त में क्षोभ रहता है, यह बात तो है ही, परंतु मैं शुद्ध हूँ अभेद एक रूप चिद्रूप हूँ, ये तो नहीं, ये तो शुद्ध नय का पक्ष है, उसका पक्ष नहीं है। ऐसा निस्संबंधी नए पक्ष का विकल्प भी जब तक उठता है तब तक भी चित्त में क्षोभ नहीं मिटता। बोलो ये भी क्षोभ है भाई साहब, और क्षोभ देश को बोलते हैं, वो है क्षोभ ही राग देश को बोलते ना। ये नए पक्ष के विकल्प भी क्षोभ है, आकुलता है। जब नए का सर्व पक्षपात मिट जाता है तब वीतराग दशा होने पर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव में आता है। देखो चौथे गुणस्थान में भी सम्मा दर्शन होता है। अब एक पक्ष एक बात हो गई है, दूसरी बात वहां श्रद्धा अपेक्षा निर्विकल्प और राग रहित वीतरागी परिणाम ही है। वहां श्रद्धा अपेक्षा, देखो ये श्रद्धा अपेक्षा निर्विकल्प है, युद्ध के काल में भी निर्विकल्प है, क्यों चार संबंधी विकल्प को विकल्प तो माने ही नहीं, तो श्रद्धा संबंधी बात है, सात संबंधी विकल्प हो रहे होंगे लड़ने के, है ना। ऐसा नहीं समझना कि जीव ग्यारह में और बारहवें गुणस्थान में भी वीतराग दशा प्राप्त करता है। भाई सम्यक दर्शन स्वयं वीतरागी दशा है, दोनों बातें लिखेंगे नहीं। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, चिद्रूप हूं, अबद्ध हूं, ऐसा जो नए विकल्प अर्थात राग की लगन है, जब वह भी छूट जाती है तब वीतरागी दशा होकर स्वरूप का श्रद्धा निर्विकल्प होता है। भाई यह स्वदया की बात है, आत्मा का जीवन ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप है, राग या विकल्प आत्मा का जीवन ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कि पहले ज्ञान में ऐसा पक्षपात आता है कि वस्तु यही है, पश्चात वह पक्षपात रूप विकल्प को मेट कर वस्तु का जो निर्विकल्प अनुभव होता है वह धर्म है, यह आत्मधर्म की बात है। तत्व वेदी धर्मी जीव चित्त स्वरूप को चित्त स्वरूप से ही निरंतर अनुभव करता है, एक समय का अभी अंतर पड़े बिना धर्मी को निरंतर चैतन्य जलहल ज्योति स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप से ही अनुभव में आता है। देखो प्रारंभ में वस्तु रूप का निर्णय करते समय देखो नए के विकल्प आते हैं ही हैं और आना ही चाहिए, परंतु जो पुरुष उसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होता है उसे चित्त स्वरूप जीव का चित्त स्वरूप से ही अनुभव होता है। विकल्पों से पार होकर जो चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय होती है उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक मेक थी अब ज्ञायक में एक मेक होने लगी, बस इसी का नाम धर्म है। ज्ञानी को निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही अनुभव में आता है। ये गुरुदेव का कोटेशन हुआ, अब अपना निष्कर्ष छोटा सा है वो कल पढ़ेंगे।